Welcome to English Scholar YouTube चैनल। I am Brjend Thakur। इस वीडियो में आप यह देखेंगे कि आपकी MP बोर्ड की जो 5th और 8th क्लास में कॉपी मिलने वाली है वो किस प्रकार की होगी। यह कॉपी इस प्रकार की होगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, आपकी क्लास लिखना है और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिखना है, यहाँ पर दिनांक लिखना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपके फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पर आपको समग्र आईडी फिल करना है, यहाँ पर रोल नंबर। इसके बाद में एक और नीचे कॉलम आएगा, वो आपको आपके स्कूल वाले मतलब जिस सेंटर पे आपका पेपर होगा वो आपको बता देंगे। यहाँ पर परीक्षा केंद्र के सील लगेगी और इस प्रकार से कॉपी आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको फिल करने के लिए इतना ही डाटा रहेगा जो आपको फिल करना है और उसके बाद जो भी है वो कौन फिल करेगा। यहाँ पर आपका जो मतलब जिसके एग्ज़ाम में ड्यूटी होगी वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, नाम लिखेगा अपना और यहाँ पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना वो यहाँ पर नंबर फिल करेगा। यहाँ पर आप अपना ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन आपके कितने कितने मार्क्स के हैं, आपके 2-2 मार्क्स के हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन आंसर आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 3-3 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 5-5 मार्क्स के रहेंगे। अब इसके बाद आपकी कॉपी यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, मतलब आपको यहाँ से लिखना अब स्टार्ट करना है। और आपको कॉपी सिंपल उस प्रकार की कॉपी नहीं मिलेगी जैसे आपके स्कूल में आपको मिलती होगी कि उसमें सभी ब्लैंक पेज रहते हैं, आप जितना चाहें जितने में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आपको लिमिटेड रहेगा सब कुछ, आपको कॉपी अलग से दी जा रही है। लेकिन जैसा पिछली बार होता था उसी टाइप का कुछ पैटर्न आपका रहेगा लिखने का, कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए जगह अलग से दी रहेगी, ब्रिंदा ब्लैंक्स के लिए अलग से और क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से जगह दी रहेगी। अब आप इस वीडियो में यही समझेंगे कि किस क्वेश्चन के लिए कितनी जगह दी रहेगी, तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 से 5 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न, इन्हें हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं इंग्लिश में, इनके लिए 5 यहाँ पर उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5 नाम से लिखा हुआ है। इनमें आपको क्या करना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर होंगे वो आपको फिल करना और जो आपको लाइन दिख रही होंगी डैश-डैश वाली, इन्हीं में आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है। जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें क्या है, इनमें वो जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना वो फिल करेगा इनमें कितने मार्क्स आपको आए हैं इस क्वेश्चन में, उस प्रकार से। ठीक है, आपको किस में लिखना है आंसर, आपको लिखना है ये डैश-डैश जो पॉइंट से जो डैश-डैश बने हुए हैं उनमें आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना। अगर आप फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहे हैं तो आपको इसमें लिखना है, सेकंड का आंसर लिख रहे हैं तो इसमें लिखना है, थर्ड का आंसर आपको इसमें लिखना है, फोर्थ का इसमें और फिफ्थ का आंसर आपको इसमें लिखना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्हें भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके लिए भी आपको क्या दी गई है, जगह दी गई है। तो इनमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर को फिल करना है और आपको इन बॉक्स में फिल नहीं करना है। ठीक है, जो डैश-डैश करके इतनी जगह दी गई है इसमें आपको फिल करना है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए कितनी जगह दी रहेगी वो अब हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन के लिए कितनी लाइन दी गई हैं, यहाँ पर 2 लाइन्स दी गई हैं। तो आपका जो कॉपी मिलने वाली है उसमें भी आपको कितनी लाइन्स ही मिलेंगी, 2 लाइन्स ही मिलेंगी। 2 मार्क्स के आंसर के लिए कितनी लाइन मिलेंगी, 2 लाइन्स मिलेंगी, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और यहाँ पर भी आपको इस बॉक्स में क्या है, कुछ भी नहीं फिल करना है, आपको यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। जहाँ तक आपकी ये लाइन रहेंगी उतने में आपको क्या करना है, आंसर फिल करना है। और 2 मार्क्स के आंसर को आप 2 लाइन में इजीली लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स के आंसर को किस प्रकार से कितनी लाइन मिलेंगी ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट कि आपके 3 मार्क्स के लिए कितनी लाइनें आपको मिलने वाली हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए उसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितनी आपको लाइनें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको कितनी लाइनें मिलने वाली हैं, टोटल 1 2 3 4 लाइनें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितने लाइनें मिलने वाली हैं, 4 लाइनें मिलने वाली हैं, जिनमें आप इजीली अपना आंसर लिख सकते हैं। पिछली बार ये लाइनें आपको कम मिला करती थी, जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें कितनी लाइनें मिलती थी, सिर्फ 3 लाइनें ही मिलती थी। इस बार क्या किया, 1 लाइन और आपको एक्स्ट्रा दे दी गई है। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि आपको पर्याप्त जगह दी गई है जिसमें आप आपके आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको कितनी जगह मिलने वाली है। तो 5 मार्क्स के लिए टोटल कितनी लाइनें दी रहेंगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको टोटल कितनी लाइनें दी रहेंगी, 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 10 लाइनें आपको दी रहेंगी। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि आपको कितनी लाइनें दी गई हैं, आपको यहाँ पर 10 लाइनें दी गई हैं। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए भी आपको 10 लाइनें दी रहेंगी, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए भी। इस प्रकार से आपकी कॉपी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अब आप ज़्यादा लंबे आंसर लर्न ना करें 2 मार्क्स के लिए। मतलब आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, उसे शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि जितना इसमें बन गया उतना आपने लिख दिया बाकी का छोड़ दिया, तो उसमें आपको क्या है, कम मार्क्स मिलेंगे। आपको अगर 2 मार्क्स का आंसर लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है कि आंसर का मीनिंग भी कंप्लीट हो जाए और लाइन भी आपको ज़्यादा की आवश्यकता ना पड़े। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए भी इनफ लाइनें दी गई हैं, 4 लाइनें दी गई हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 से 26 वाले क्वेश्चन, मतलब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनके लिए भी 10 लाइनें दी गई हैं। तो आप इजीली इनमें आंसर लिख सकते हैं। और इन लाइनों में आप थोड़ा बहुत ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई सी लाइन में आप, अगर आपका आंसर एक आध लाइन छूटता भी है तो आप नीचे लिख सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं रहती। अगर आप 1 लाइन नीचे एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो वो आंसर आपका चेक हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको वो आंसर चेक नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल टीचर्स के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।